गाइस यार, कैसे हो आप सभी लोग। और यार, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हम शीप्स को कैसे फीड कर सकते हैं। तो जैसा कि आप लोग को भाई पता ही होगा कि हम सिर्फ फार्मिंग सिमुलेटर 2023 में भाई हम सिर्फ चिकन फार्म ओन करते हैं, बाकी सारे फार्म भाई हमें खरीदने पड़ते हैं। लाइक देखा होगा, हॉर्स फार्म और काउ फार्म भी हमने खरीदा है, और अभी चलो तो शीप फार्म खरीदने चलते हैं। तो गाइस, अभी हम जा रहे हैं शीप फार्म खरीदने, तो उसके बाद बताऊंगा आपको कैसा कैसा लाइक क्या क्या चीज़ चाहिए शीप्स को फीड करने के लिए। और यार, मुझे लगता है कि शीप को भी फीड करना बहुत ही आसान है, तो चलो फटाफट से पहले हम फार्म खरीदते हैं, तब मैं आपको बता दूँ उसके बाद कि आपको लाइक क्या क्या चाहिए शीप को फीड करने के लिए। तो यार, आप देख सकते हो कि 97,000 का एक फार्म है, तो अभी बाय कर लेते हैं शीप को। ये देखो, तो शीप बाय करने के लिए सिंपली हमें यहाँ पर आना है, और यही भाई सेम वैसी चीज़ है, 200 वाली शीप है वो भाई हमें लाइक पहले अडल्ट होगी, फिर वो प्रोडक्शन करनी शुरू करेगी, और जो 500 488 वाली भाई 488 वाली शीप है, तो वो भाई आते ही प्रोडक्शन शुरू करेगी जब हम उसको फूड डालेंगे। और मैं आपको फूड भी बताऊंगा इनका क्या है। तो चलो पहले हम थोड़ी सी भाई 10 के ये बाय कर लेते हैं, ठीक है। तो नहीं भाई, 5 ही करते हैं, क्योंकि यार इनको मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। और इनको भाई इसका रखते हैं भाई, ये 40 रखते हैं भाई, 40 शीप अडल्ट वाली, और देखते हैं भाई कैसी सी दिखती है ये हमारी शीप। और इसमें भाई आज जैसा आपको पता होगा कि दरवाजे दरवाजे भाई सब कुछ खुलता है इसमें। तो सिंपली ये देखो, अरे शीप तो 45 भी, यहाँ तो गिरमी 4-5 ही है। तो चलो होता है भाई, ऐसा कोई बात नहीं है। तो ये आ रही कि हमें फूड डालने की क्या ज़रूरत है यहाँ पर भाई, ये अपने आप खा तो रही है, इतना ग्रास है, बट डालना पड़ेगा, ये रियल लाइफ तो नहीं है। तो इनको फूड है भाई, इनको सिंपली हमें ग्रास डालनी है इनको। तो उसके लिए भाई मैं आपको बताते थे कि कौन कौन सी चीज़ है, ठीक है आपको। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चलते हैं शॉपिंग पर। तो यहाँ पर जाकर अभी थोड़ा सा स्क्रॉल करें इस पर, तो अगर आप इनको ग्रास की बेल बनाकर पाना चाहते हो तो ये बेलर ले लें, और ये जो बेल को लोड करता है वो ले लें। ट्रॉली होती है, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सिंपली ये वाली ट्रॉली होती है, बाकी सारे टूल्स हमारे पास है, और ये 1,31,000 की होती है। ये सिंपली बेल से नहीं बनाती, ग्रास को उठा लेती, ठीक है। और आपको फिर चाहिए मोवर, और ये सिंपली ग्रास को कट कर देगा। और एक भाई विंड्रॉवर चाहिए आपको, तो मेरे पास ये है बड़े वाला, तो एक लाइन में ये ग्रास को सिंपली कर देता है। तो यार चलो, अभी फटाफट से मैं जहाँ वहाँ पर हमारा बेल लाइक ट्रॉली आ चुकी है वो उठाते हैं, और फिर आपको मैं मिलता हूँ, ठीक है। देख सकते हो कि ये ट्रॉली आ चुकी है हमारे पास, और यार इसका आपको सिंपली यूज़ तो पता ही होगा अगर आपने पिछली फार्मिंग सिम्युलेटर वाली गेम्स खेली होंगी। तो ये सिंपली जैसे वो बेलर हमारा ये कटर होता है उसका बेलर का, तो वो इससे बेल्स बना देता है अंदर, बट ये सिंपली सारा ग्रास उठा लेगा और हम अपने अंदर स्टोर कर लेगा, ठीक है। तो चलो अभी हम इसको फार्म पर लेकर चलते हैं। तो भाई अभी ये देखो, मैं अभी मोर ले आया हूँ, तो ये तो मैंने मेरे पास पहले से ही बाय किया हुआ था। और अभी फटाफट से भाई काटते हैं सारे ग्रास को, और उसके बाद ग्रास की लाइंस बनाते हैं, और उसके बाद मैं आपको बता दूँ कि कैसे हमारा शीप्स का फूड रेडी होता है। तो आपको ये ग्रास नहीं बीजना, ठीक है, तो आप सिंपली पहाड़ों पर जाएं, वहां पर हैरो हार्वेस्ट कर सकते हो वहां से। बट वहां ऐसा हो जाता कि ऊंची भाई ऊंची नीवी जगह होती है, और वहाँ पर फिर आपको ना ऊंची नीवी जगह होती है, ठीक है, तो आपको आपकी ट्रैक्टर की स्पीड भाई कम ज़्यादा हो जाती है, अगर आपके पास तगड़े से तगड़ा ट्रैक्टर भी है तो। अब मेरे पास देखो ड्यूट्स फार है, ठीक है, तो अभी ये इसकी 22 स्पीड है ना यहाँ पर, और इस फील्ड में भी, तो वो अभी देखना जब ये ऊपर जाएगा तो कितनी स्पीड होगी इसकी, ठीक है। तो देखो, तगड़े से तगड़े ट्रैक्टर की भाई स्पीड कम हो जाती है, 18-17 स्पीड है इसकी, ठीक है। तो आप यार कोई सीधी फील्ड अगर आपके पास है तो आप उस पर हार्वेस्ट कर सकते हो, और पहाड़ों पर कर सकते हो भाई अगर आपका मन है लाइक करना चाहते हो भाई आप, ठीक है, इतना टाइम नहीं है बीजने के लिए, ठीक है, तो वहाँ पहाड़ों पर उगी हुई उसको हार्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है।
तो भाई अभी हमारा ग्रास हो चुका है हार्वेस्ट, और आपको फिर इसकी लाइंस बनानी होगी। तो चलो अभी हम हमारे ट्रैक्टर जेसीबी के पास चलते हैं भाई। सारा ग्रास हार्वेस्ट कर लिया, और अभी अब बारी आ जाती है ग्रास को एक लाइन में इकट्ठे करने की। तो इस पर हम लगा दे देंगे एक वर्कर, तो वो सारा अपने आप कर देगा। और इसके बाद भाई ठीक है, तो ये देखो एक लाइन में ये इकट्ठा कर देगा सारा ग्रास। और इसके बाद आपको सिंपली वो आपकी ट्रॉली उठानी है और उससे ये ग्रास इकट्ठा करना शुरू कर देना, ठीक है। तो वो भी आपको दिखाता हूँ कैसे आपको इकट्ठा करना है, और आखिर तक दिखाऊंगा भाई मैं आपको फीडिंग भी उनके कैसे करनी है, कहाँ पर उनको फीड करना, ठीक है। तो सिंपली आपके पास ऐसी मशीन है, और आप इस मशीन को पता ही होगा कैसे और करते हैं, ठीक है भाई। तो हर हर मशीन के हर सेम मैकेनिज्म होते हैं कि ऑन कैसे करनी है, ठीक है। तो सिंपली अभी हम एक लाइन बस ऐसे उठानी है, ठीक है। आपको ये देखो हमारा जो भाई सामने वाला ये वाला कटर है, ठीक है, कटर नहीं सिंपली ये अंदर ग्रास को अंदर खींचता है, तो वो सारी ग्रास अंदर आ जाती है हमारी ट्रॉली पर। और सामने अभी ट्रैक्टर आ रहा है, तो वो यहाँ पर एक और लाइन बनाएगा। अभी हम पीछे से इकट्ठा करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो यार इसमें सिर्फ हमें लाइक चिकन्स को जैसे हम सिर्फ ओट्स डाल सकते हैं और शलगम, ठीक है, तो वैसे ही सीन शीप्स का है, हमें सिर्फ ग्रास डालनी पड़ती है शीप को। तो यार इन्होंने फीड करना भी बहुत आसान कर दिया है, लाइक शीप वगैरह को फीड करना इस 23 गेम में। तो चलो अभी थोड़ा सा ग्रास और इकट्ठा करते हैं एक दो लाइन, तो फिर मैं आपको मिलूंगा सीधे शीप फार्म पर। जैसे पहले बताया था कि आपको सिंपली इसमें ग्रास बनाना है, ठीक है, ग्रास, ठीक है। तो आपने लाइक सिंपली ऐसे ट्रॉली से सिर्फ ग्रास इकट्ठा करना है। सबसे पहले भाई पॉइंट आ जाता है, आपको ग्रास को कट करना है और फिर इससे लाइंस बनानी है और फिर इसमें ट्रॉली पे इकट्ठा कर लेना है। तो अगर आप ट्रॉली में इकट्ठा करना नहीं चाहते हो, ठीक है, तो आप सिंपली आप बेल्स बना सकते हो, ठीक है, इस ग्रास की बेल्स भी चलेंगी। बट वो प्रोडक्ट ऐसी, मेरा कहने का मतलब ये है प्रोडक्ट ग्रास होना चाहिए, ठीक है। आप उसको कुछ भी बनाओ, ठीक है, बस वो ग्रास होना चाहिए। लाइक अगर आप बेल बनाते हो तो वो ग्रास बेल्स होनी चाहिए, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं उनको फीड करने। और आप अगर इसमें भाई एक चीज़ ही डाल दोगे शीप्स को, ग्रास ही डाल दोगे सिर्फ एक, ठीक है, तो वो भी भाई उससे भी काम सर जाएगा, क्योंकि यार शीप्स को इस बार फीड करना बहुत आसान है, और चिकन्स की तरह आप शीप्स को फीड करना बहुत आसान है, और सिंपली एक चीज़ से ही सर जाता है। और आप जहाँ पर पहुँच गए, जब ग्राम यहाँ पर फार्म पर और यहाँ पर आए, और ये देखो अभी थोड़ी सी पड़ी है हमारी ट्रॉली में, ठीक है, तो कितना यार देखो कम हमारी शीप्स फूड खाती हैं, ठीक है। तो ये देखो अगर आपका टाइम पास करने का मूड हो आप इसमें जाओ। हमने थोड़ा छोटा सा ये वैन कह सकते हो, वैन ही है भाई, बट हम इसके अंदर नहीं जा सकते, ये तो थोड़ा सा वो था। तो अभी हम प्रोडक्शन देखते हैं एनिमल्स की जाकर शीप पर, तो 100% हो तो आप देख सकते हो कि 100% हो गई है हमारी फुल, ठीक है। तो सिंपली इनका मेन फूड ग्रास ही है, ठीक है। तो आप इनकी भाई ग्रास 100% कर कर रखो, ये आपको शीप लाइक अच्छा बिजनेस है शीप्स का भी, ये भी वीडियो आगे आएगी। बट सबसे पहले हमारी आएगी काओ वाली, कि हम लाइक काओ से क्या क्या और बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम शीप वाली ले आएंगे, ठीक है। यार आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो यार अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भाई सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपके और अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड।